भारत को नहीं समझती, सिर्फ नागपुर को समझते हैं। और साथ ही साथ ये भी कहा कि भाजपा प्रतिस्पर्धा के लिए गीता और उपनिषद पढ़ रहे हैं। देखिए, बहुत खुशी की बात है कि राहुल गांधी जी उपनिषद और गीता की पढ़ाई शुरू कर रहे हैं। देर से ही, लेकिन शुरुआत तो अच्छी है। इससे उनको अपने संस्कृति के बारे में कुछ ज्ञान बढ़ जाएगा। और तो दो इपिक जो हैं, महान इपिक ग्रंथ जो हैं भारत के, महाभारत और रामायण, वो भी पढ़ लें। इन सब किताबों को पढ़ने के बाद उन्हें इस बात का ज्ञान होगा कि भारत सच्चाई पर चलती है। यहाँ भरत नाम के एक राजा हुआ करते थे जो सच पर ही चलते थे। और तब उन्हें आभास होगा कि भारतीय संस्कृति को समझने के बाद कि नरेंद्र मोदी जो कर रहे हैं देश के लिए, वो सही कर रहे हैं, सत्य के राह में चल रहे हैं। और बीजेपी और नरेंद्र मोदी ही देश को सही तरह से चला सकते हैं, भले ही वो कांग्रेस में हों, लेकिन उन्हें इस बात का आभास हो जाएगा। राहुल गांधी ने बोला कि जम्मू कश्मीर जो है भारत की ताकत है और बीजेपी जम्मू कश्मीर को कमजोर करती है। देखिए, राहुल गांधी जी को थोड़ा फैक्ट्स देख लेना चाहिए। हमारे गृहमंत्री माननीय श्री राजनाथ सिंह जी ने बताया है किस तरह से हम लोगों ने ज़्यादा आतंकवादियों को मारा है, किस तरह से NIA ने ISIS के सपोर्टर्स को पकड़ा है जिससे भारत आज ISIS से सेफ है, किस तरह से 10,000 SPOs की बहाली हुए उसमें कश्मीरी यूथ को मौका मिला, किस तरह से जब मिलिट्री की बहाली होती है या फिर पुलिस की बहाली होती है तो कश्मीर के युवा उन डिस्ट्रिक्ट से जहाँ पर आतंकवाद ज़्यादा है वहाँ से भी लोग आके मुख्य धारा में जुड़ना चाहते हैं। आपने देखा किस तरह से लोग UPSC का एग्ज़ाम दे के खुश हैं। तो इन सब चीज़ों को जो नया नैरेटिव आया है उसको राहुल गांधी जी इग्नोर कर रहे हैं। तो जब फैक्ट्स देखेंगे तो खुद ही पता लग जाएगा कि वो जो बोल रहे हैं वो झूठ पर आधारित है। राहुल